हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हु इज़ हु इन इंडिया 2018। देखो, एग्जाम चाहे कोई भी हो, ये बेसिक जनरल नॉलेज हमें अबाउट अवर इंडिया पता होनी चाहिए। ये सारी अपडेटेड लिस्ट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 30+ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ इंपॉर्टेंट कमीशंस, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवल, सारे इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें बेसिकली पता होने ही होने चाहिए किसी भी कीमत पे। सो इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप PDF चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो एंड इसे स्टडी कर सकते हो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एंड ये वीडियो हैंड मटेरियल नोट्स हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आई होप आप सबको ये क्लियरली विजिबल होगा एंड लेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले प्रेजिडेंट जनरली, ये तो सबको पता ही होगा, प्रेजिडेंट राइट नाउ प्रेजेंट सारे रामनाथ कोविंद हमारे प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेजिडेंट बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं, तो एम विनायक नायडू इस टाइम हमारे वाइस प्रेजिडेंट एंड राज्यसभा के चेयरमैन। देन उसके बाद हमारा आ गया, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ये तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी। देन उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो राइट नाउ हैं वो हैं सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस टाइम हमारे इंडिया के, वो हैं ओम प्रकाश रावत। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे इस टाइम, राजीव मैश्री। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारे के वेणुगोपाल रॉय। देन होम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ, अरुण जेटली। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के इस टाइम, निर्मला सीतारमन। देन रेलवे मिनिस्टर राइट नाउ, पीयूष गोयल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन से हमारे इंडिया के इस टाइम, रविशंकर प्रसाद। आई होप आप सबको एक क्लियरली विजिबल होगा एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है राइट नाउ, स्मृति ईरानी। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इंडिया के इस टाइम राइट नाउ, अजीत डोवल। देन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कौन है, प्रदीप कुमार सिहा। रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है इस टाइम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन है वो हैं अश्वनी लोहानी। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स राइट नाउ, चेयरमैन कौन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के, HL दातू। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, तो इस कम्युनिटी के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के जो चेयरमैन है वो हैं सईद गुहराल हसन रिजवी। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो इस कम्युनिटी इस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है राम शंकर कथारिया। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन फॉर कमीशन, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये काफ़ी लेटेस्ट है, अराउंड दो दिन पहले ही इनकी अपॉइंट हुई है, तो इनका नाम है रेखा शर्मा। देन चेयरमैन ऑफ SEBI सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी। देन चेयरमैन ऑफ NABARD नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है NABARD, तो हरीश कुमार बनवाला। देन गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट नाउ, उर्जित पटेल। एंड चेयरमैन ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रजनीश कुमार। देन चेयरमैन ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, VK शर्मा। देन चेयरमैन ऑफ TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राम सेवक शर्मा। इनके वैसे तो इनका टेन्योर हर किसी का 3 साल का था, बट इन्हें 2 साल का रिसेंटली अभी हाल ही में कल परसों इनको एक्सटेंशन मिल गया 2 साल का, ये तो 2 साल तक ये और चेयरमैन रहेंगे TRAI के, ठीक है। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीफ ऑफ आर्मी, देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राइट नाउ है जनरल बिपिन रावत। देन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बीरेंद्र सिंह धोनिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स KK शर्मा। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स राजीव कुमार भटनागर।
तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अराउंड 30 प्लस हैं, तो ये तो बेसिक हैं, ये हम सबको पता होने ही होने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी एग्ज़ाम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।